अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। जो है हमसे कुछ तो बात करनी है क्योंकि जो है बैठे वो प्योर मिशन मूवमेंट के लोग हैं और ना इतने लंबे समय तक आज तक आजकल किसी के पास टाइम बैठने का नहीं है। जहां से एन सुकुमार जी ने बात खत्म की थी मैं वहां से बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने उस संदेश पत्रकार को जवाब दिया, चूंकि मेरा समाज सोया हुआ है मैं इसलिए जा रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि मेरा समाज आज भी सोया हुआ है और हम जैसे लोगों को भी लंबे समय तक जगने की जरूरत है। एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आईएएस आईपीएस बन गए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली बड़ी बात यह है कि जो हमारा सोया हुआ समाज है जब तक हम उसको जगा ना दें पूरी तरीके से, जब तक मिशन मूवमेंट की जीत ना हो जाए तब तक ये जंग जारी रहेगी। अभी तो मनवाद के और अंबेडकरवाद के बीच लगातार लंबी लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में बहुत सारे योद्धा आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, बहुत सारे लोगों को तैयार करने की जरूरत है। लंबी तो बस यार है, केवल ये सोच लेने से काम नहीं चलेगा कि मेरे जीवन काल में सब कुछ मिल जाना चाहिए। लंबा संघर्ष है। आज हम लोग बात करते हैं 85% की, हम लोग 85% है। आज हम ये भी धीरे धीरे सब समझने लगे हैं कि इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के अति पिछड़े, इस देश के 70% सिख, इस देश के 100% ईसाई, इस देश के 90% मुस्लिम, ये सब एक है, इन सबका खून एक है, इन सबके पूर्वज एक है। इसीलिए सबसे ज्यादा गरीब भी यही है, सबसे ज्यादा दीनदीन भी यही है, सबसे ज्यादा हक भी इन्हीं का मारा है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी यही है और जितने दंगे होते हैं या देश में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मरे भी यही है। लड़ाई बहुत लंबी है, कठिन है, आसान नहीं है। चूंकि हम 85% बोलते हैं, हम भाषणों में 85% बोल रहे हैं, जगह जगह सुबह निकलते करते रात को घर में घुस रहे हैं, लेकिन पता लगता है दिन में वो 15% हमारे घर में आता है। हम कहते हैं हम देश में अंबेडकर आए हैं, हम बहुत जागरूक हैं, हम तो बाहर कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनका आदमी हमारे घर में आके हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को अपने मिशन का कट्टर मान के चला जाता है। इसलिए उनका धर्म चल रहा है, इसलिए उनका मिशन जीत रहा है। हमारे समाज में हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे भाई जब ऐसे लोगों को वोट दे दे जो लोग हमारे लोगों को गुलाम बना रहे हैं, जो लोग हमारे लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को जिंदा जला रहे हैं, जो हमारे झुग्गियों को आग लगा रहे हैं, जो हमारी बैठ की इज्जत तोड़ रहे हैं, फिर भी ऐसे लोगों को अगर मजबूत बनाते हैं तो इसका मतलब हम लोग अभी जागरूक नहीं है, वो भी सोए हुए हैं। 85% कहने से बात नहीं बनेगी। हम 85 बोलते रहे कि वो 15% है जो राज कर रहे हैं, हम 85% है, हम ये बोलते रहे और हमें पता ही नहीं चला हम 10% रह गए और वो 90% हो गए। हमारे सामने तो हुआ है सब कुछ। बहुत सारे मुद्दों पर चिंतन करने की जरूरत है। एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, दो चार स्कीम बना देंगे जल्द से जल्द, इससे सब कुछ बदलने वाला नहीं है। अब तो लगता है घरवार छोड़ के लंबे समय तक घर से दूर रह के गांव में एक एक घर में वहीं पर रुक के एक एक व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। हम जागरूक कर पाए तो सब तो हम सफल हुए, क्योंकि एमपी बन के मंत्री बन जाए तो पा गया, इसके बाद क्या? मन में तो संतुष्टि नहीं है, मन तो कुछ नहीं है, लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। कोई बड़ा पद पा रहे ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात है लक्ष्य क्या है। तो हमारे लक्ष्य क्या केवल कुर्सी पाना है? हमारे लक्ष्य क्या कोई बड़ी नौकरी पाना है? क्या इससे केवल काम चल जाएगा? क्या इससे पूरे देश में अपने समाज का विकास हो जाएगा?
क्या इससे जो बाबा साहेब ने बड़ी मुश्किल से 4000 साल की गुलामी तोड़ के जो संविधान के माध्यम से हमने हमें मजबूत बनाया, क्या असली जो लक्ष्य बाबा साहब का था वो पूरा पा लिया? मुझे लगता है कि लड़ाई अब और ज्यादा जटिल हो गई है। जिस तरह ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीत लिया जा रहा है, लिक्विड की रिपोर्ट है 373 से ज्यादा सीटों पे वोट की जो गिनती दिखाई गई है वो वोट मशीन से तो मैच ही नहीं कर रही। एक हमारे अपने इंजीनियर हैं ललित कुमार, उसने बकायदा ईवीएम बना के चला के दिखा दिया कि ईवीएम में कोडिंग करके जिसको आप जिताना चाहो जिता सकते हो। तो जिसकी कस्टडी में मशीनें हैं, अगर उनका इंटरनली अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो किसी में हैकिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके अंदर चिप पे कोडिंग करनी होती है। कोडिंग करने वाला अगर उनके साथ मिलकर कर ले तो वो डेट के हिसाब से रिजल्ट निकाल सकता है कि 10 तारीख को ये रिजल्ट आना चाहिए, मॉक ड्रिल में ये आना चाहिए और 15 तारीख को 23 को काउंटिंग में ये रिजल्ट आना चाहिए। ये भी सब कुछ मतलब उस डेट में कोडिंग में किया जा सकता है। तो धीरे धीरे लग रहा है कि तो गुलामी की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। एक वोटर को विश्वास ही नहीं कि उसकी वोट सही जगह जा रही है और इतना गड़बड़ होने के बाद देश में किसी की हिम्मत नहीं है कोई वोट देने की, कोई वोट नहीं, मशीन खराब है, सबको को शाम सुन गया, सब लोग घबराए हुए डरे हुए, पत्रकार लिखने में घबरा रहे, पॉलिटिशियंस नहीं बोल पा रहे। अगर सब लोग डर जाएंगे, सब लोग चुप बैठ जाएंगे तो फिर क्या परिवर्तन आया, फिर आजाद कहाँ है? ये तो आजादी की लड़ाई अभी जारी है, ये बेबस को संग्राम है, ये तो हजारों साल से हमारा चल रहा है, आगे भी चलेगा। मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे संगठन इतने ज्यादा हो गए उसके बाद भी हम लोग एकजुट नहीं हो रहे, उसके बाद भी हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे, उसके बाद भी जुल्म हमारे ऊपर कम नहीं हो रहे, उसके बाद भी देश की खेती की भूमि में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, उसके बाद भी प्राकृतिक संसाधनों में अपना हक नहीं ले पा रहे। इतने संगठन है, हर गली में संगठन है। अब समय आ गया है, 4-5 बाम से चल रही है, 4-5 भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है, 4-5 जुड़े समता सैनिक दल के हो गए, भीम आर्मी चल रही है, भीम सेना चल रही है, अंबेडकर सेना चल रही है, अंबेडकर ब्रिगेड चल रही है। इतने सारे संगठन होने के बाद हम खड़े कहाँ हैं? व्यक्ति से काम नहीं चलने वाला, बोलने से काम नहीं चलने वाला, वो लोग एकजुट स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग खंडी सोच के टुकड़े टुकड़े में बढ़ने पड़े हैं। बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसे हमने क्या पा लिया, मैं मंत्री बन गया, क्या हो गया भाई, क्या फर्क पड़ गया उससे? 2-4 स्कीम अच्छी बना दी समाज के बच्चों के लिए, लेकिन उससे सब कुछ नहीं हो गया है। अभी संघर्ष बहुत बड़ा है, ये कुर्सियां छोटी हैं और ये कुर्सियां जहां भी निश्चित है, ये कभी किसी की परमानेंट नहीं हुई, लड़ाई बहुत लंबी है। अपने पूरे समाज को जो 85-85 करते करते मानव कांसम सब चले गए, क्या वो 85 हो पाए? इस 85 को 85 करना पड़ेगा। अभी तो जिसको 15 कर रहे हैं वो 90 हो गए, 15 बोल रहे जिनको हम वो तो 90 हो गए भाई, और 85-85 करते हुए 10 पे आ गए लेके। अभी तो हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता तो बहुत बड़ी बात है, आपस में प्यार मोहब्बत भी पैदा नहीं कर पा रहे, आपस में एक दूसरे के घर तक भी नहीं पहुंच पा रहे, लड़ाई बहुत जटिल है। चूंकि उनके पास कैडर है, उनके पास कैडराइज लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, वो इतनी संख्या है कि हमारे सबके घर तक उनके लोग पहुंच जाते हैं। हम भी तो अपने घरवार में जाके डर देखें हम कितने घरों तक पहुंचे, हम अपने मिशन मोमेंट को जिसकी हम बात करते रात सोते जागते जो जिस मिशन का नारा लगाते हैं उस मिशन को एक व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचाने में, अपने 85% लोगों को मिशनरी बनाने में हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं? ईमानदारी से सोच के देखो, क्या जीत इतना आसानी से मिल जाएगी? क्या अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत इतनी आसानी से हो जाएगी? क्या हम अपने बाबा साहब के बनाए संविधान को सुरक्षित रखने में संभव और मजबूत हैं? जो हालात है हो सकता है धीरे धीरे की कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बदल जाए, हो सकता है प्रजातंत्र खत्म ना हो जाए, हो सकता तारा सही ना आ जाए। चूंकि राम माधव जो आरएसएस के प्रचारक थे, प्रवक्ता थे, आज भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की भारत में लगातार सरकार रहेगी, आज का बयान है। तो वो बयान ऐसे ही थोड़ी ना है,
रुपया सीट आएगी तो 30 रुपया जाएंगे। क्या मतलब है भाई? सारा मीडिया, सारा जमीनी जो ग्राउंड रिपोर्टर्स, उनकी रिपोर्ट कह रही है बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा 150 सीट आएंगी और पूरे एनडीए की 200 आएंगी। फिर 300 प्लस कैसे होगी भाई? और एनडीए की 350 से ऊपर कैसे हो गई? वो जो बोलते हैं वही घोड़ा। अरे कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। ये घर बैठ के चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, ना डरने से काम चलेगा। मरना तो किधर है? अब वो बाहर निकले, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, कोई गारंटी की गलत है ठीक ठाक पहुंचेंगे? घर में अटैक होकर मर जाए, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, मरना तो इतनी निश्चित है। तो मैं समझता हूँ हम सबकी जिम्मेदारी है, खासतौर पर उन लोगों की जो अपने आपको अम्बेडकराइट कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं मैं जागरूक हूँ, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे अकेले के जागरूक होने से नहीं काम चलेगा, अपने पूरे परिवार को जागरूक करना पड़ेगा। मंदिर में जाके जिस लाठी को तेल पिला रहे हैं वो लाठी हमारा सर टूट रही है। हम जिस मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उसी से तलवारें खरीद के हमारी गर्दनें काटी जा रही है। तो ये ना हमें तय करना है कि हमें जाना कहाँ है। हमारा एक एक बड़ी मेहनत मशक्कत का पैसा है, हराम का पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है, बड़ी मेहनत करके मिलता है। उस पैसे को हम अपने बच्चों के को अच्छी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में लगाए। एक टाइम तो हम घर लेकिन पढ़ाई की छूट ना जाए उस पर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन वो पढ़ाई केवल डिग्री लेने वाली नौकरी वाली ना हो, उस पढ़ाई के साथ साथ हमारा मिशन मूवमेंट क्या है वो उसके दिमाग में फूट फूट के भरने की जरूरत है, वरना जीतना संभव नहीं है। जिनसे आपका अधिकारों को लेकर युद्ध है वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, सारे रिसोर्सेस पर उनका कब्जा है, देश की सत्ता पर उनका कब्जा है, देश के न्यायालय पर उनका कब्जा है। तुमसे अगर जीतना है तो मैं, चूंकि मुझे लगता है लंबे समय से आप बैठे, मैं अपनी स्पीच को छोटा कर देता हूँ। सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबसे, भाषण तो चलते रहेंगे, आपस में तो मिलते रहेंगे, प्रोग्राम भी चलते रहेंगे, लेकिन इस चीज के लिए मन बनाइए कि ये जितने हमारे संगठन है इनको कहीं ना कहीं एक जगह बैठाना पड़ेगा। चार पांच बांसे चल रही है, सबका अपना बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉलोअर्स बहुत बड़े बड़े, बीमा भी चल रही है, अम्बेडकर ब्रिगेड चल रही है, भीम सेना चल रही है, समता सैनिक दल के यूं चल रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के यूं चल रहे हैं, इन सबको बढ़ाने का समय आ गया। एक चीज एक जगह बैठना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। टुकड़ों में लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपसी भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। इस न्याय की लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।